अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये मॉर्निंग टाइम जो है, और मॉर्निंग टाइम में मैं सोचा प्लांट्स वगैरह को पानी वगैरह दे दूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी हमारे पास डबल चॉकलेट केक की है, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत इजी, बहुत सिंपल, जो कि तुम सभी चॉकलेट केक्स में यूज़ होते हैं वही इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में मैं लेने जा रही हूँ 2 eggs, और eggs जो है ना वो आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज में रखे हैं तो उसको थोड़ी देर पहले जो है ना वो बाहर निकाल के रख दें, तो ये बहुत अच्छे फ्लफी और जो है ना वो स्मूथ जो है ना वो बीट हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ले लिया है 2 eggs, और अब हम यहाँ पे लेंगे 1 cup sugar, ले लिए। अब यहाँ मैं लेने जा रही हूँ 1/2 cup जो है वो ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 eggs ले लिए हमने यहाँ पे, 1 cup sugar ले लिया है, 1/2 cup ऑयल ले लिया है, और 1/4 cup जो है वो हम यहाँ पे वाटर यूज़ करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप विस्कर की हेल्प से इसको जो है ना वो अच्छे से बीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है ना वो बीटिंग जो है ना वो स्पीड लो टू मीडियम, फिर मीडियम टू हाई लेके जाऊँगी इसको, और आपको अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट तक तकरीबन जो है ना वो बीट करना है, जब तक आपके एग्स जो है ना वो बिल्कुल फ्लफी और जो है ना फोमी ना हो जाए, तब तक आपने इसको बीट करना है। आपको लगे कि आपकी शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है और आपके एग्स फ्लफी और फोमी जो है ना वो आपका मिक्सचर हो गया है एग का। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लेने जा रहे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया है 2 cups मैदा। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है, क्योंकि जब तक आप नहीं छानते तो आपका केक जो है ना वो सॉफ्ट नहीं बनता, लम्स फ्री नहीं बनता। सो आपने जो है ना यहाँ पे इसको छान के लेना है 2 cups मैदा। और यहाँ पे मैं लेने लूँगी 3 tablespoons जो है वो कोका पाउडर। मेरे पास ये डार्क कोका पाउडर है, आपके मतलब किसी के पास थोड़ा लाइट कलर में होता है, किसी के पास थोड़ा डार्क कलर में होता है, तो जो है ना ये डार्क कोका पाउडर मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से जो है ना वो छान के जो है ना वो उसमें डाल देना है। ये प्रोसेस जो है ना वो लाजिम होता है केक्स बनाने के लिए, ताकि आपका स्पंज जो है ना वो सॉफ्ट और जो है ना वो लम्स फ्री बने और हार्ड ना बने। कभी कभी यही होता है कि हम नहीं छान के बगैर, छाने बगैर डाल देते हैं तो हमारा स्पंज जो है ना वो स्मूथ और सॉफ्ट नहीं बनता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। 1 teaspoon बेकिंग पाउडर को भी मैंने छान लिया था, और यहाँ पर मैंने लिया था 1 teaspoon बेकिंग सोडा, और उसको भी मैंने छान लिया था। और अब हम ये अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स थे, जो हमारा एग मिक्सचर था, उसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। इस तरीके से पहले आपने जो है ना जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसमें एग मिक्सचर में, तो फौरन बीटर ऑन नहीं करना है। थोड़ी देर बाद जब आप इसको मिक्स कर लें उसके बाद ऑन करें, क्योंकि सारा जो है ना वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे उड़ जाता है। ये पहले भी मैंने अपने वीडियोस में ये जो है ना वो छोटी छोटी टिप्स दी हुई होती हैं कि जब हम बेकिंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो है ना जो भी प्रोसेस कुकिंग का चल रहा होता है या जो भी हमें चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं वो बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से बन जाती हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने थोड़े थोड़े इसमें करके डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से जो है ना वो बीट कर लिया था। बीट करने के बाद अब हमने जो है ना वो अपने पैन को इस तरीके से मैदे के साथ डस्ट कर लिया। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है, बेकिंग जो है ना वो बटर पेपर है, बेकिंग पेपर है, तो आप वो भी लगा के जो है ना वो ऑयल के साथ ग्रीस करके उसको बेकिंग पेपर को लगा के और अपना केक मिक्सचर डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा केक बैटर रेडी है, और मैंने सारा का सारा जो है ना वो बैटर इसमें डाल दिया है पैन में।
सारा बैटर आप पैन में डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको इस तरीके से टैप करेंगे ताकि आपका जो है वो बैटर तमाम तरफ से जो है ना वो इक्वली रहे। फिर वरना ऐसा होता है जब हम टैप नहीं करते तो कहीं से हमारा केक जो है ना वो ज़्यादा राइस कर जाता है, कहीं से कम राइस करता है, तो इसलिए जो है ना आप टैपिंग प्रोसेस भी जो है ना वो कंपलसरी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी चॉकलेट गनाच की तरफ। और चॉकलेट गनाच के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून जो है वो कोका पाउडर, 3 टेबल स्पून मैं यहाँ कोका पाउडर लूँगी और 4 to 5 टीस्पून मैं यहाँ पे जो है ना वो शुगर ऐड करूँगी इसमें। 3 टेबल स्पून कोका पाउडर, 4 to 5 टीस्पून हम यहाँ लेंगे शुगर, और यहाँ पे मैंने जो है ना वो डार्क चॉकलेट ली है तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के जितनी। थ्री टेबल स्पून कोका पाउडर, 4 to 5 टीस्पून शुगर और 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट ली है, और थोड़े से मिल्क के साथ हम जो है ना वो इसको लो फ्लेम पे जो है ना वो कुक करेंगे, नॉट मीडियम नॉट हाई, और इसको जो है ना हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि चॉकलेट मिक्सचर जो है ना वो बहुत जल्दी साइडों से ना वो लगने लगता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आपको मिल्क भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है ना वो अपने यही इंग्रेडिएंट्स डालें और 1 टेबल स्पून जो है ना वो बटर ऐड कर दें या क्रीम ऐड कर दें और इसको माइक्रोवेव कर लें। सो अब यहाँ आते हैं हम अपनी व्हिपिंग क्रीम की तरफ। व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे ली है 1/2 कप, और 1/2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम जो है ना वो मैंने आगे अब पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं पहले से ही निकली हुई बाहर रखी हुई थी, और ताकि जो है ना वो सही से जो है ना वो मतलब मेल्ट हो जाए। फ्रीज होती है तो उसमें ना आइस की क्रिस्टलाइजेशन होती है, अगर हम आइस की क्रिस्टलाइजेशन के साथ इसको बीट कर लेंगे तो जो है ना ये सही से बीट नहीं होती और बिल्कुल भी जो है ना वो मतलब सॉफ्ट पीक्स नहीं बनते इसमें और पानी पानी रह जाता है और नहीं इसकी क्वांटिटी बढ़ती। तो आपको मेक श्योर कि इसमें कोई भी आइस का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो आपकी जो है ना वो व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून के जितना ना चॉकलेट सिरप, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल वाइट व्हिपिंग क्रीम ना नहीं पसंद, थोड़ा सा जो है ना इसमें कलर या चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा हो तो बहुत टेस्टी लगती है। वैसे खैर ये व्हिपिंग क्रीम की क्या ही बात है कि इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बहुत अच्छे से जो है ना वो व्हिप भी होती है। और अब ये देख रहे हैं कि मैंने 1/2 कप जो है ना यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली थी और ज़बरदस्त तरीके से ये व्हिप हो गई है और डबल क्वान्टिटी में भी हो गई है, और मैंने इसको जो है ना पूरा आपको बोल टर्न करके भी दिखाया है तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो ज़रा सी नहीं हिली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप इसमें आइस क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देंगे तो कभी भी ये सही से व्हिप नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, लास्ट वीडियो आप लोगों के पास मेरी आई होगी जो है ना वो कॉफ़ी की, कॉफ़ी पेस्ट मैंने बनाना सिखाया था और जो है ना वो कॉफ़ी बनाना भी सिखाई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो वही कॉफ़ी पेस्ट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जितना जो है ना वो कॉफ़ी पेस्ट भी ऐड किया है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर हो गया था और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये व्हिपिंग क्रीम हो गई थी। सो केक हमारा बेक हो गया था, केक को मैंने कट किया, केक को मैंने कट कर लिया था 2 लेयर्स में, और आप इसी तरीके से किसी भी पाइपिंग बैग में जो है ना वो व्हिपिंग क्रीम को जो है ना वो डाल लीजिए और उसके बाद इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें और किसी भी नाइफ़ या जो है ना वो केक की नाइफ़ की हेल्प से जो है ना इसको इवन कर लें, इक्वल कर लें, और उसके ऊपर फिर हम लगा देंगे केक की 2nd लेयर। सो मैंने जो है ना वो इसमें सारी क्रीम जो है मैंने वो डाल दी थी, और अब मैं जो है ना इसको नाइफ़ की हेल्प से जो है ना वो इवन कर लूँगी और जो है ना वो उसका पूरा केक जो है ना क्रीम के साथ कवर कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी लगा दूँगी 2nd लेयर।
अच्छा, जो भी बिगनर्स हैं, मैं भी अपने आप को खैर बिगनर ही समझती हूँ, कोई मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ केक्स में, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ साथ, आप लोगों की हेल्प के साथ साथ भी हो जाऊँगी। और जो भी बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है केक को लेयर में कट करना, स्पंज जो है ना वो परफेक्टली बन जाए, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जो है ना वो इंशाल्लाह आपको जो है ना, जब आप बनाते रहेंगे और जो है ना उसको प्रैक्टिस में रखेंगे, तो आपकी जो है ना ख़ुद ब खुद नीटनेस आना शुरू हो जाएगी केक्स में। और जो है ना वो व्हिपिंग की थीम को किस किस तरीके से व्हिप करना है, तो जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जो हम कर रहे होते हैं जिसको हम प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो वो जो है ना वो अच्छे हमारी होना शुरू हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमने उस टाइम पे ये मिस्टेक की थी, तो हम नेक्स्ट टाइम हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करती हूँ कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी तो वो आप लोगों को मैं बताऊँ, ताकि आप लोग उससे जो है ना वो नहीं करें, और जो है ना वो उससे जो है ना सीखें। सो यहाँ पे मैंने जो है ना वो चॉकलेट गनाज जो हमने रेडी करी थी, वो मैंने इसके ऊपर पोर कर दी थी, इसको पूरा कवर कर लिया था चॉकलेट गनाज से। और जो बाकी की व्हिपिंग क्रीम मेरे पास बच गई थी, मैंने एक इस तरीके का एक नोज़ल लगा के जो है ना पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम डाल दी थी, और इसमें मैं इस तरीके से फ्लावर्स बना दूंगी। आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं केक पे जो आपको अच्छी लगे, और जो है ना मतलब जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड फ्लावर एक बंच बना दिया था, और जो कि बहुत क्यूट और बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट लग रहा था। सो जो है ना मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको डेकोरेट कर दूँगी केक को। और बच्चे तो इतना को एक्साइटेड हो रहे होते हैं जब घर में इस तरह की कोई चीज़ बन रही होती है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं केक्स वगैरह, तो उनको ये होता है कि हर केक में स्प्रिंकल ऐड कर दें, चॉकलेट चिप ऐड कर दें। तो बट मैं ये समझाती हूँ कि हर केक्स में जो है ना वो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सो कभी कभी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। सो बेकिंग में अगेन आप लोग से वही बात कह रही हूँ कि बेकिंग में ही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, और इंशाल्लाह और जो प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग भी, तो बहुत अच्छे जो है ना वो आप केक्स बना सकेंगे, और जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो कर सकेंगे। मेरे साथ रहा करें, वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती रहूं, और आप लोग से भी कुछ ना कुछ सीखती रहूं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि जो है ना आप लोगों को क्या क्या कहाँ कहाँ कोई चीज़ अगर गलत लग रही है, कोई चीज़ सही लग रही है, तो उसको अप्रिशिएट किया करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो है ना वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो है ना ये मज़े मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय करें मेरे साथ। और जो है ना आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, हमारी यहाँ बड़ी कोई शादियाँ वादियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं, चूँकि मैं आप लोगों के साथ उनकी छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करूँगी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स और मेकअप प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।